Yes, read the first question. We'll go to the first question. We have one circuit given in this question. I will draw that circuit firstly. You just read out the question. This is the transistor given here. This is the grounded. Here resistance is connected. RC. And it is 4 kilo ohm. This resistance is 4 kilo ohm. Here IC collector current. It is 20 volt. Now here it is base current and resistance is connected here, RB, it is 500 kilo ohm, so it is very big resistance. And इसमें से जो current जा रहा है वो दिखाया है उसने base current. And यहाँ पे जो voltage लगा है ये input voltage. This diagram is given in the question itself. Question में ही ये डायग्राम दिया गया है. रेजिस्टेंसेस, करंट, आईबी आईसी, ओके, एंड आरबी आरसी. नाउ अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो व्हाट इज सेइंग, इनपुट वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट एंड वीबीई इज जीरो, वीसी इज आल्सो जीरो. द वैल्यूज ऑफ आईबी आईसी एंड बीटा आर गिवन बाय, मतलब मुझे IB निकालना है, बेस करंट, कलेक्टर करंट निकालना है एंड करंट गेन निकालना है. बीटा, बीटा मतलब इट इज रिलेटेड विद द कॉमन इमिटर. ओके, अब देखो हम IC निकालेंगे यहाँ पे. फर्स्टली आई विल गो टू फाइंड आउट IC, मतलब कलेक्टर करंट में यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा. अब देखिए कलेक्टर करंट ओहम्स लॉ जो होता है V इक्वल टू IR होता है. सो I इक्वल टू V बाय R होता है. इट इज़ वेरी बेसिक लॉ, सब लोगों को पता है. V इक्वल टू IR, सो I इक्वल टू V बाय R. ओके, अब देखो मुझे कलेक्टर करंट निकालना है, मतलब कलेक्टर करंट के रिलेटेड मुझे यहाँ पे वोल्टेज कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, कलेक्टर करंट के रिलेटेड. अब देखिए कलेक्टर करंट मतलब कहाँ पे है, इस साइड में कलेक्टर करंट है, इसके अक्रॉस कलेक्टर करंट आएगा, बराबर है. मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, कलेक्टर करंट यहाँ पे दिखा है, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 20 एंड यहाँ पे ग्राउंडिंग है, मतलब पोटेंशियल कितना है 0. मतलब दोनों के अक्रॉस का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 20 माइनस 0, मतलब 20 ही. ये हो गया वी डिवाइडेड बाय आर. अब देखिए रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4 किलो ओहम. 4 किलो ओहम मतलब 4 इंटू 10 रेस टू 3 ओहम. जस्ट सिंप्लीफाई दिस वन, ये 20 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू विल गेट कैंसिल. हियर इट इज 1 2, मतलब ये आएगा 1/2, मतलब 0.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 एम्पियर. इसको ऐसे लिख सकता हूँ कलेक्टर करंट को 5 मिली एम्पियर. ओके, 5 मिली एम्पियर मतलब 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 एम्पियर होता है. तो दोनों सेम ही हो रहे हैं, मतलब कलेक्टर की करंट कितना आना चाहिए 5 मिली एम्पियर. अब देखिए तीन ऑप्शन में कलेक्टर करंट 5 मिली एम्पियर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. सो ऑप्शन जो थर्ड वाला है ये रॉन्ग होगा, ये मुझे यहाँ पे पता चला. ओके, अब देखते आगे, मतलब आगे के वैल्यूज मुझे निकालने पड़ेंगे तब जाके मुझे आंसर यहाँ पे पता चलेगा. आईसी का वैल्यू से हमें फाइनल आंसर तो नहीं पता चला है. अब निकालते आईबी, वही तरीका यूज करो. करंट निकालना है मतलब क्या, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. ओके, अब देखिए वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मुझे यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. अब देखिए उसने वी आई दिया है 20 वोल्ट, मतलब ये वोल्टेज उसने दिया है 20 वोल्ट. ओके,
यहाँ पे मुझे बीटा फाइंड करना है, मतलब ये कॉमन इमिटर मोड है, मतलब यहाँ पे ई बी सी में से इमिटर कॉमन होगा ना, ये इमिटर है तो इमिटर यहाँ पे शेयर किया होगा, मतलब इनपुट यहाँ पे लगा है आपका। ओके, अब देखिए मुझे आई बी फाइंड आउट करना है, मतलब बेस करंट मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो वोल्टेज देखिए, इस वोल्टेज एंड इस वोल्टेज का मुझे डिफरेंस लेना पड़ेगा, ये 20 है एंड ये 0 है, ग्राउंडिंग मतलब 0 वोल्टेज रहता है, ये 20-0 मैंने वापस लिया यहाँ पे, तो 20-0 पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पे ले रहा हूँ। रेजिस्टेंस कितना है इनपुट साइड का, अब मुझे यहाँ पे इनपुट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो इट इज़ 500 × 10³, क्योंकि वो 500 किलो ओहम है, मैंने ओहम में किया उसको, सो इट इज 20 / 5 × 10⁵, ऐसे लिख सकता हूँ मैं उसको। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 × 10⁻¹। ओके, देखिए ये यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो गया, वैसे करो नहीं तो फिर 20 / 5 इट इज़ 4 एंड 10⁵ ऊपर गया, 10⁵ एम्पियर हो गया। अब देखिए आई बी मुझे मिल गया, बेस करंट आई बी का वैल्यू छोटा ही रहता है। अब आई बी के वैल्यूज यहाँ पे आप क्रॉस चेक करो, आई बी के वैल्यू माइक्रो एम्पियर में दिए हैं हर जगह पे, माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁶ होता है, सो आई बी को मुझे करना पड़ेगा 40 × 10⁻⁶ एम्पियर, सो आई बी हो जाएगा 40 माइक्रो एम्पियर। आई बी कितना हो गया, 40 माइक्रो एम्पियर। देखिए वैल्यू बैलेंस है, 4 × 10⁻⁵ हो रहा है, 10⁻⁶ अगर मैंने वहाँ से निकाला तो माइक्रो में वहाँ से वहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब आई बी का वैल्यू आया 40 माइक्रो एम्पियर। अब देखिए कितने ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसमें आई बी का वैल्यू 40 माइक्रो एम्पियर है। नाउ हमारे जो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 बाकी थे उसमें मुझे चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में है। आई बी कितना है, 40 माइक्रो एम्पियर एंड आई सी कितना है, 5 मिली एम्पियर, मतलब यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी ही करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। अब थर्ड वाला वैल्यू निकालने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, फिर भी हम निकाल देंगे थर्ड वाला वैल्यू। बीटा हमें निकालना है, बीटा मतलब क्या होता है, आई सी बाय आई बी। आई सी कितना आया हमारा, आई 5 × 10⁻³ एम्पियर एंड आई बी है 40 × 10⁻⁶ एम्पियर, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, इट विल बी 125 125 आ जाएगा। ओके, तो आपको आई बी एंड आई सी निकालने से आपको फाइनल आंसर यहाँ पे पता चल जाता है। इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, मतलब टेम्परेचर में चेंज हुआ है ड्यू टू हीटिंग, डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन, अफेक्ट्स ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अफेक्ट्स ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस, अफेक्ट्स द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन। आई थिंक हमने क्वेश्चन इससे पहले डिस्कस किया था, अफेक्ट्स द ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पी एन जंक्शन, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ पी एन जंक्शन डायोड में हीटिंग की वजह से, ओके हीट हो गया डायोड एंड उसकी वजह से टेम्परेचर अगर चेंज हुआ पी एन जंक्शन डायोड का, इट अफेक्ट्स द ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पी एन जंक्शन, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक को ही पूरी तरीके से अफेक्ट करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नाउ अगेन आई विल ड्रॉ हियर वन डायग्राम, यस यहाँ पे हमें फाइनल आउटपुट वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको कैसे करेंगे, इन द कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट वाई कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द इनपुट ए एंड बी एज, ओके नाउ ए
ए यहाँ पे दिखाया है, ये बी है, ये यहाँ पे सीधे चले जाएगा, ए इस रास्ते से यहाँ पे भी आएगा पर ए बार हो जाएगा यहाँ पे। ओके देखिए ए इधर गया वापस, ए इधर भी आएगा पर ए इधर आने के बाद ए का नॉट हो जाएगा, ए नॉट। अब बी देखो, बी यहाँ पे गया पर बी का नॉट हो गया यहाँ पे, एंड बी इधर सीधे चला आया, एंड है यहाँ पे, एंड मतलब ए डॉट बी बार होगा, ये भी यहाँ पे एंड मुझे दिख रहा है, ये होगा ए बार डॉट बी, दोनों का यहाँ पे और होने वाला है क्योंकि यहाँ पे और गेट मुझे दिख रहा है, तो इट इज ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ओके सो ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रीड द नेक्स्ट वन। इन अ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर द एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट, वोल्टेज दिया है यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर इज 3 किलो ओहम, कलेक्टर का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिया है 3 किलो ओहम। इफ द करंट गेन इज 100 एंड बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओहम, द वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज, देखो हमें यहाँ पे वोल्टेज गेन एंड पावर गेन निकालना है। ओके अब देखो वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं, वोल्टेज गेन हमने देखा है इसका फॉर्मूला वोल्टेज गेन का, अगेन यू कैन यूज द लॉजिक वी इक्वल टू आई आर आर, मुझे वी निकालना है, वोल्टेज गेन निकालना है मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन मुझे निकालना पड़ेगा। अब देखिए उसने क्या बोला है कि यहाँ पे देखो इन द कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर ये जो वैल्यूज दिए हैं वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। ओके जो वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर दिया है, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इट इज 3 वोल्ट। ओके द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर का रेजिस्टेंस भी दिया है उसने, इट इज 3 किलो ओहम। इफ द करंट गेन इज 100, अब देखो यहाँ पे करंट गेन उसने दिया है, करंट गेन कितना है 100, करंट गेन इज 100, तो ये करंट गेन का वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 100। ओके अब देखो रेजिस्टेंस गेन मुझे चाहिए, रेजिस्टेंस गेन तो डायरेक्टली दिया नहीं है तो रेजिस्टेंस गेन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस गेन निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस गेन, यहाँ पे देखो 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है मतलब 3 × 10³ उसको लिख दिया। ओके एंड यहाँ पे 2 किलो ओम दिख रहा है, सो इट इज 2 × 10³, ये रेजिस्टेंस गेन है। देखो रेजिस्टेंस गेन जब मुझे निकालना होता है ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलेक्टर रेजिस्टेंस, मैंने कलेक्टर का रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे एंड बेस रेजिस्टेंस, ये दोनों का डिवीजन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, कलेक्टर का रेजिस्टेंस है 3 × 10³ एंड बेस का रेजिस्टेंस है 2 × 10³, मतलब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस गेन मुझे मिल जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई करो, 10³, 10³ गया, ये आया 150, वोल्टेज गेन कितना आया यहाँ पे 150। अब देखो कितने ऑप्शन है जिसमें वोल्टेज गेन 150 है, मुझे एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जिसमें वोल्टेज गेन 150 है, ऑप्शन थर्ड, थर्ड ऑप्शन है जिसमें वोल्टेज गेन 150 है, बाकी के वैल्यू नहीं निकाले तो भी चलता है पर हम निकाल देंगे, बाकी के वैल्यू भी निकाल देंगे यहाँ पे, पावर गेन
पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा, पी इक्वल टू वी आई होता है, पी इक्वल टू वी आई। पावर गेन मतलब वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। अब देखो वोल्टेज गेन कितना आया है हमारा, 150 आया है बराबर, एंड करंट गेन कितना है जो यहाँ पे पुट किया था वो 100 है, सो इट इज 15000 लाइक दिस। सो ये आएगा हमारा पावर गेन। ओके नाउ उसने यहाँ पे जो पूछा है वोल्टेज एंड पावर गेन, पावर गेन को देखो हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक्चुअली पावर गेन जब हम निकालते हैं, पावर गेन इक्वल टू आई स्क्वेयर आर हम करते हैं, पावर का ये फॉर्मूला आपको पता होगा 10th में हुआ है, आई स्क्वेयर आर। अब देखो आई स्क्वेयर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू आर, वही जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था अभी, 3 × 10³ डिवाइडेड बाई 2 × 10³। इसको सिंप्लीफाई करो बस, यू विल गेट द फाइनल आंसर। यहाँ पे एक्चुअली आगे का पार्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे आपको आपका आंसर पता चल गया। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन मतलब क्या, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन हमें करना पड़ता है। करंट गेन देखिए क्वेश्चन आप ठीक से पढ़िए, उसने बोला है कि करंट गेन दिया है यहाँ पे सीधे सीधे 100। अब रेजिस्टेंस गेन कैसे निकालते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस टू द इनपुट रेजिस्टेंस ना, ध्यान रखिए रेजिस्टेंस गेन मतलब क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस टू द इनपुट रेजिस्टेंस, हमने देखा है ये रेजिस्टेंस गेन मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस कौन सा होता है, कलेक्टर का रेजिस्टेंस, एंड इनपुट का रेजिस्टेंस कौन सा होता है, बेस का रेजिस्टेंस, मतलब ये दोनों का बस यहाँ पे रेशियो निकालना है एंड उसको सिंप्लीफाई करना है। यस देखो इस क्वेश्चन को हम कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं, इफ यू हैव क्लियरली गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिक विच ऑलरेडी आई एक्सप्लेन। देखिए ये डायोड होता है, ये पॉजिटिव साइड ये निगेटिव साइड होता है, हर जगह पे पॉजिटिव निगेटिव बस ड्रॉ कर दो। दो वोल्टेज दिए जाएंगे, उसमें से जो बड़ा होगा उसको प्लस बोलो, जो छोटा होगा उसको माइनस बोलो। अब 0 एंड -2, 0 बड़ा है, -2 कंपेरेटिवली छोटा है, मतलब देखिए पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, निगेटिव के साथ निगेटिव, ये डायोड फॉरवर्ड है, दिस डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस, एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे फॉरवर्ड बायस ही निकालना है। चलिए आगे का भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आंसर आ गया बच्चों आपका। ओके आगे का भी पार्ट हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे -4 है एंड यहाँ पे -3 है, तो -3 बड़ा है -4 से, मतलब -3 प्लस होगा एंड -4 माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव के साथ निगेटिव, निगेटिव के साथ पॉजिटिव, मतलब ये रिवर्स बायस हो गया, दिस डायोड इज अ रिवर्स बायस। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, यहाँ पे +2 एंड -2 है, +2 मतलब प्लस साइड हुआ बड़ा हुआ, -2 मतलब माइनस साइड हुआ छोटा हुआ, पॉजिटिव के साथ निगेटिव, निगेटिव के साथ पॉजिटिव, अगेन इट इज रिवर्स बायस। ओके नाउ नेक्स्ट वन, ये +5 +3 है, +5 बड़ा है मतलब ये पॉजिटिव साइड है, +3 कंपेरेटिवली छोटा है मतलब ये नेगेटिव साइड है, मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, मतलब अगेन ये रिवर्स बायस हुआ। सो फर्स्ट वाला फॉरवर्ड बायस है, बाकी के 3 रिवर्स बायस है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आएगा। रीड दिस क्वेश्चन अगेन, फॉर सीई ट्रांजिस्टर, सीई मतलब कॉमन इमिटर, सीई मतलब कॉमन एमिटर, फॉर सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज, कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओहम इज 4 वोल्ट। ओके इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द रेजिस्टर इज 100 एंड द बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओहम, देन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज, इनपुट सिग्नल वोल्टेज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके अब देखो यहाँ पे जो मैं रिलेशन यूज करूंगा, अभी मैंने वो रिलेशन आपको बताया था, वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। ओके अब देखो करंट गेन एंड रेजिस्टेंस गेन मुझे यहाँ पे चाहिए,
अब देखो यहाँ पे उसने बोला है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब ये करंट गेन ही होता है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, करंट गेन, वो कितना है 100। ओके, अब उसके बाद में रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन मैंने अभी बताया आपको कि रेजिस्टेंस गेन क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस टू द इनपुट रेजिस्टेंस, बराबर है। सो यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस एंड इनपुट रेजिस्टेंस। अब और मैंने एक बात बताई आपको कि आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब कलेक्टर का रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस मतलब बेस का रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर आई थिंक यहाँ पे दिया है वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम, मतलब ये 2 किलो ओम दिया है यहाँ पे कलेक्टर का रेजिस्टेंस। एंड बेस का रेजिस्टेंस दिया है, देखिए बेस रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। अब देखिए किलो ओम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आंसर आना चाहिए 200। ओके, अब देखिए ये आंसर आ गया हमारा 200। ये कौन है, ये वोल्टेज गेन है। व्हाट इज दिस, इट इज द वोल्टेज गेन। अब देखिए उसने पूछा क्या है, द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज, इनपुट सिग्नल वोल्टेज मतलब मुझे वी आई निकालना है, बराबर है। इनपुट सिग्नल वोल्टेज मतलब मुझे वी आई निकालना है। नाउ ये वोल्टेज गेन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वोल्टेज गेन मतलब क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। देखिए रेजिस्टेंस गेन मतलब क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस टू द इनपुट रेजिस्टेंस। वैसे वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, मतलब वोल्टेज गेन का ये भी फॉर्मूला है एंड ये भी फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा मुझे यूज़ करना पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। अब देखो आउटपुट वोल्टेज जो उसने दिया है, आउटपुट वोल्टेज मतलब कलेक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज होता है ना, याद रखिए कलेक्टर आउटपुट साइड होता है, बेस इनपुट साइड होता है। तो आउटपुट वोल्टेज दिया है यहाँ पे 4, इट इज 4 वोल्ट। ओके, एंड डिवाइडेड बाय दिस वी आई। अब मुझे वी आई निकालना है, सो दिस वी आई इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय वोल्टेज गेन। ओके, वी आई इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय वोल्टेज गेन, सो दिस इज 4। एंड वोल्टेज गेन हमारा कितना आया है यहाँ पे, 200 आया है, 200 आया है, सो इट इज 2 × 10⁻²² आएगा, 2 × 10⁻²। होल्ट, अब ऑप्शंस में देखिए वो मिली होल्ट की टर्म्स में दिया है, मिली मतलब 10⁻³ आना चाहिए, सो कैन आई राइट 20 × 10⁻³ होल्ट, मतलब 20 मिली होल्ट आएगा, 20 मिली होल्ट। सो ऑप्शन 4, 20 मिली होल्ट।